हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चिल्ला। ये चिल्ला बहुत ही स्वादिष्ट और ही बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है और इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ती हैं जिससे ये और भी पौष्टिक हो जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कटोरी मूंग दाल भिगो दी थी और कम से कम 4 घंटे के लिए हमने इसको भिगोया था और इसको हम अब छान लेंगे और मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और पहले हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, सबसे पहले ऐसे ही ग्राइंड करेंगे और इसमें हम डाल लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च डाल देंगे। इसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे और आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसे एकदम स्मूथ पीसना है। आप देख सकते हैं ये कैसी है, काफ़ी चिकनी दाल पिसी हुई है। और इसको अब हम निकाल लेंगे एक बाउल में, ऐसे थोड़ा सा इस हम अच्छे से फेंट लेंगे जिससे दाल हल्की हो जाए। और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियों को काट के रखा है, यहाँ पे गाजर है और टमाटर, हरी धनिया, बीन्स, इन सभी को काट के मिला लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल लेंगे। और यहाँ पे हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियाँ नमक छोड़ती हैं, वो पानी छोड़ती हैं, तो नमक नहीं डालेंगे यहाँ पे हम। इसको मिक्स करके रख लेंगे और 1 हरी मिर्च काट लेंगे और इसका बीज हमने निकाल दिया है पहले से जिससे ये तीखी नहीं लगेगी। और यहाँ पे अब हम डाल लेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और भुने जीरे का पाउडर और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे ये बढ़िया सा मिक्स हो जाए। और अब हम यहाँ बनाएंगे चिल्ला। तो इससे हमें थोड़ा सा तीखी रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। और ये हमारी कास्ट आयरन का तवा है जिस पे चिल्ला हम बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बनता है इस पे। तो काफ़ी ये मोटा होता है तो चिल्ला इसमें जलता नहीं, चाहे डोसा हो या चिल्ला हो, कुछ भी हो। यहाँ पे हम ऊपर से डाल देंगे अपनी सब्जियाँ और थोड़ा सा घी डाल देंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, और थोड़ा काली मिर्च भी ऊपर से हम डाल देंगे। और आप अगर चाहें तो पुड़ी मसाला जो आता है उसे भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो, और चाट मसाला भी डाल सकते हैं जिस भी फ्लेवर का आप बनाना चाहें, बढ़िया से बन जाता है। तो अब इसको हम यहाँ पे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अब ये हमारा चिल्ला सिक गया है, इसको हम फोल्ड करके निकाल लेंगे और देख सकते हैं तो काफ़ी क्रिस्पी है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। और अब हम इसको कट कर लेंगे पीस में। तो आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करिएगा और आप इसको कैसे बनाते हो ये भी हमें बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं और आपके चिल्ले कैसे बनते हैं और खाने में कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और नहीं बनाया है तो एक बार इसे ज़रूर से बना के देखिए, ये काफ़ी पौष्टिक है। तो यहाँ पे हमने एक हरी चटनी और केचप रखा है, तो आपकी जिससे इच्छा हो उससे इसे खा सकते हैं, दोनों से ही इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, थिकनेस काफ़ी अच्छी है और इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ ऐड हैं। तो इसे आप बनाइए और खाइए और हमें कमेंट करिए कि आपका चिल्ला कैसा बना है। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।